just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Assalamu alaikum ji, welcome back. Kya hal chal hai aap sabke? Dua karti hoon aap sab bilkul khairiyat se hoon. To abhi main khana banane lagi hoon. Aaj main bana rahi hoon palak aur chicken mein main bana lungi simple. Chicken mere paas thoda sa hi boneless rakha hua tha aur ye pack main use kar rahi hoon. अच्छा पालक जो है ना मैं फ्रेश भी लेकर आती हूँ और कभी फ्रोजन भी ले आती हूँ. कैन वाले टिन वाले मैं कभी कभी बहुत ही रेयर लेती हूँ. वैसे ज्यादातर मैं फ्रोजन ले लेती हूँ या मैं फ्रेश लेकर आती हूँ वो बनाती हूँ. साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही हूँ, काम भी हो रहे हैं और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. हमेशा ये बात की जाती है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें, नेगेटिव ना सोचें, लेकिन कभी कोई ये शेयर नहीं करता कि पॉजिटिव हम किस तरह से रहें और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से किस तरह से हम निकालें. तो आज हम इस पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी शॉर्ट टाइम में आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर करूँ जो मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ. अच्छा जी, सबसे पहले हम जब सोचते हैं कि हमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं मिलती, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, आप कभी बैठ के ना थोड़ी देर के लिए सोचें कि ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं. नेगेटिव थॉट्स ये होते हैं कि जब हम सोचते हैं हमसे ये नहीं हो सकेगा, हम ये नहीं कर सकते, हम जो भी करेंगे वो काम सही नहीं होगा, हमारे घर वाले हमें पसंद नहीं करते, कोई हमें पसंद नहीं करता, हम हर चीज में फेल हो जाते हैं. और ये फिर नेगेटिविटी जो होती है ना वो आपके माइंड पे हर वक्त सवार रहती है. या फिर इसके पीछे आपके बहुत से कोई ऐसे वाकियात होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके पास्ट में गुजरी होती हैं या आपके प्रेजेंट में हो रही होती हैं, जो हर वक्त अनकॉन्शियसली आपके माइंड में हर वक्त रहती हैं और आप उनको सोचते रहते हैं. तो सबसे पहले ना आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करें, सोचें कि ऐसी क्या रीजन है. आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे, मतलब ऐसी कौन सी रीजंस है कि जो कि हर वक्त आपके जहन पे सवार रहती हैं और वो आपकी पॉजिटिविटी की जो एक सोच होती है ना उसके ऊपर हर वक्त आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो पॉजिटिव सोच आती ही नहीं है कभी आपके माइंड में. दूसरा तरीका ये है कि आपने ना बैठ के पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आपने जो है ना रिप्लेस करना है नेगेटिविटी को, किस तरह से पॉजिटिविटी में रिप्लेस करना है. देखिए, हमारे साथ 10 चीज़ें अगर बुरी होती हैं तो कोई एक दो तो अच्छी भी होती है ना लाइफ में. जैसे कि आपके साथ बहुत सारे बुरे वाकयात हुए या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कभी हमारे बैड डेज कहते हैं हम चल रही है, कभी कहते हैं बैड लक चल रही है, लेकिन उन सब में भी तो सोचें कि कुछ तो अच्छा भी हो रहा होता है. तो उसके अलावा ये है कि मैं जो अपने पे करती हूँ हमेशा से, मैं अपने घर वालों को भी यही बात करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी यही बात करती हूँ कि मैं जब भी कुछ बुरा होता है या डेली बेसिस पे मैं जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि आज अच्छा मेरे साथ क्या हुआ है. कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरे साथ बुरा हुआ है इसके पीछे अल्लाह ने कोई तो मेरे लिए अच्छाई भी लिखी होगी ना, कोई तो मेरे लिए लेसन होगा, कुछ तो अच्छा भी होगा जो ये सब हुआ है. तो आपने नेगेटिविटी को ना पॉजिटिविटी में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपने शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी अच्छी चीज़ें दी हैं उनको रिपीट करना है. आपने बजाय इसके के दो रास्ते होते हैं, या तो आप नेगेटिव वे में जाएं, उन चीज़ों पे ना शुक्री करके रोते रहें, कुड़ते रहें, या फिर आपने ये करना है कि आप पॉजिटिव वे में जाएं. जो चीज़ें भी अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, देखें आपको मोहताजी नहीं दी सबसे बड़ी बात, तो उसके लिए जितना शुक्र अदा करते हैं ना करें. आपको फैमिली दी है, कुछ तो आपको अच्छा भी अल्लाह पाक ने दिया है ना, तो उन सब के लिए आप हमेशा थैंकफुल रहें, शुक्र अदा करें और आप वही चीजें अडॉप्ट करें, माइंड में सोचते रहें. अगर सोचने में प्रॉब्लम है लिखते रहें, डेली लिखें. आप कोई भी ऐसी बात होती है ना जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, आप उसको जरूर राइट करें, लिखें आप. थर्ड वे इसका ये है कि आपने जो है ना अपना सर्कल बहुत अच्छा रखना है. ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है. जब आप टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं ना, इवन कि आप मशवरे भी लेते हैं नेगेटिव लोगों से, वो आपको हमेशा कहेंगे आप नहीं कर सकते, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे ये नहीं हो सकता, तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था. तो अपना सर्कल बेशक छोटा कर लें, लेकिन अपने सर्कल में ना अच्छे लोगों को रखें. थोड़ा हो अच्छा होना चाहिए. मैं तो ज़िंदगी का जो है ना यही चीज़, मतलब इसी को मानती हूँ, इसी को साथ लेके चलती हूँ कि सबसे पहले अपने जो सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं. अब देखिए, हम बिल्कुल चाहे आपके ससुराल में है, चाहे आपकी फैमिली में भी होते हैं, घरों में होते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई नेगेटिव है ही नहीं, लेकिन उनसे किस तरह से डील करना है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो अपने हाथ में होती है ना, अपना अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी अपने हाथ में होती है. अब डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो मैं भी कहती हूँ मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते. लेकिन हाँ, हम उनसे किस तरह से अच्छे तरीके से निकलते हैं, कितना वो कम हम पे इफेक्ट करती है, ये सबसे बड़ी बात होती है. उसके लिए हर बंदा मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना कि अपने सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कम करें आप.
मौसम यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से ठंडा हुआ हुआ है और आप देखें बारिश भी बड़ी अच्छी हो रही है, तो साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे खाना बना रही थी क्योंकि अभी मैं ये नाश्ते में खाऊंगी। अभी मैंने जब बनाना स्टार्ट किया ना, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं नाश्ते में यही खाऊं, तो खैर ये बन गया। एंड में मैं इसमें बटर ज़रूर ऐड करती हूँ और मेथी ज़रूर डालती हूँ, मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बटर मैं डालती हूँ उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरा खाना रेडी हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा अब हम बात नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वे ये है कि आप जो है ना हमेशा अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ज़रूर ही एक्सप्रेस किया करें। आप जब भी अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ आप अपना रिलेशन रखेंगे ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, वो हमेशा आपको अच्छी सजेशंस देंगे। और उसके अलावा अगर आप कुछ शेयर भी करना चाहें, अपने मुतालिक कोई भी चीज़ हो आप उनसे शेयर करना चाहें या कोई मशवरा लेना चाहें, वो हमेशा आपको अच्छा मशवरा देंगे और वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे अगर आप एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो इसलिए अच्छा सर्कल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि अच्छे लोग हम कहाँ से ढूंढें, देखें हमारी फैमिली में भी होते हैं, हमारे सराउंडिंग में भी होते हैं। और अगर आपको अच्छे लोग इस तरह से नहीं मिलते, आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप जो है ना राइटिंग स्टार्ट कर दें। मैं बहुत ज़्यादा डायरीज लिखती थी, बहुत ज़्यादा लिखती थी, बचपन से लिखती थी, मेरी आदत थी। अभी यूके आने से पहले जो है ना मैंने सारी चीज़ें डिस्कार्ड की, बहुत मैं उस टाइम पे रोई भी थी क्योंकि मेरी वो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये फीलिंग्स मेरे तक ही रहने चाहिए, बेहतर है, तो वो सारी मैंने डिस्कार्ड कर दी। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता था, कोई अच्छा ऐसे मिलता नहीं था, मैं राइटिंग करती थी, मैं लिखती थी रात को डेली। उससे ये होता है लिखने से कि आपके जो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अगर आप अकेला फील करते हैं, बेशक बाद में उसको डिस्कार्ड भी कर दें, जरूरी नहीं है आपने सजा के रखना है, उससे ये होता है कि आपका दिल का बोझ बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और अभी उस्मान के लिए जो है ना मैंने बनाया था मटन का कीमा, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो वही अभी मैं उनको पराठा बना के ना यहाँ पे दे रही हूँ। बस थोड़ा बहुत सुबह के टाइम चेंज कर लेती हूँ, लंच में तो बनता ही है चेंज, तो नाश्ता भी थोड़ा बहुत मैं इस तरह से चेंज करके बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उस्मान के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, अपने लिए भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खाया था। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई ये सारी चीज़ें। अब लास्ट जो तरीका है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा बात की जाती है, माइंड को पॉजिटिव रखें, माइंड को बिजी रखें। लेकिन माइंड को बिजी किस तरह से रखें? बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं होता, तो देखें टाइम तो अपने लिए खुद आपको निकालना है ना, मैं नहीं आके आपका टाइम निकालूंगी, कोई मेरे लिए भी टाइम नहीं निकालेगा, टाइम तो हमें खुद मैनेज करना होता है अपनी चीज़ों के लिए, बेशक आप जितने बिजी हो। मैं जब जॉब करती थी मैं तब देखती थी कि जितनी मेरे साथ मेरी कोलीग्स होती थी, चार चार बच्चे भी होते थे, फुल प्रेगनेंसी में आती थी, घर के काम भी करते थे, उसके बाद फिर कुछ थोड़ी सी छुट्टियां लेके फिर वापस आ जाते थे, फिर काम करते थे, तो मैंने उनको भी देखा, मैं खुद भी सब कुछ कर चुकी हूँ। तो इसलिए टाइम तो आपको मैनेज करना होता है, तो ये बात नहीं होती कि कोई और आके और हमारे लिए जो है ना वो टाइम निकालेगा। अब फिफ्थ जो वे है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी बिजी हो, जो भी हालात हो, जो भी हो, लेकिन आपने जो है ना अपने माइंड को बिजी रखना है और तभी आप इस तरह से पॉजिटिव रहेंगे। अब बिजी देखें, हम बिजी किस तरह से रह सकते हैं, जरूरी नहीं आपने थकावट वाला बिजी रहना है, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब हर इंसान की पसंद नापसंद डिफरेंट होती है, किसी को तैयार होना पसंद होता है, किसी को मेकअप करना पसंद होता है, किसी को शॉपिंग करना, किसी को घर सजाना, किसी को मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले आप देखें कितने मजे की पालक रेडी हो गई है और ये जो है ना मैं अभी नाश्ते में खाऊंगी। मैंने जब बनाई ना तो मेरा दिल इतना ज्यादा चाह रहा था कि मैंने कहा मैं तो आज पालक ही खाऊंगी। तो आप अपनी लिमिट्स में रह के, अपने हालात में रह के, जो भी आपके हैं आप वो सब काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं। जब आप अपना फेवरेट काम करते हैं या जो चीज़ें आपको अच्छा फील कराती हैं, आपको रिलैक्स रखती हैं, कोई भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार लें, कुछ भी कर लें जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे आपका मूड बहुत ही अच्छा रहता है। मैं जो हूँ ना बाहर इसलिए जाती हूँ, या मुझे समटाइम बड़े कमेंट्स आते हैं कि आप जो है वो हर वक्त ग्रॉसरी करती हैं इस तरह से, देखिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है। अब वो चीज़ किसी को बुरी लगती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मेरी ज़रूरत भी है, मेरी मजबूरी भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम भी है कि आप जो है ना वो हर हफ्ते जाके, हफ्ते में एक दो बार जाके ही करते हैं, उसके अलावा मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ, मैं बाहर निकल जाती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, नई चीज़ें देखती हूँ, अच्छा आज क्या आया हुआ है, समटाइम ऑफर्स लगी होती हैं वो देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी बाहर जाना है कुछ चीज़ें लेने के लिए और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वेट करती हूँ थोड़ी सी बारिश कम हो जाए फिर निकलते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है ये देखें।
बारिश माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हो रही थी, बड़ी तेज हो रही थी। सर्दी यहाँ पे जो है ना काफी हो गई है, वेदर बहुत चेंज हो गया स्कॉटलैंड का। और यहाँ पे वैसे तो ठंडा होता है लेकिन अभी भी माशाल्लाह से बहुत ठंडा हो गया, चेंज हो गया है। मौसम इतना अच्छा था तो मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं। और आप देखें ये माशाल्लाह से जो है ना वो यहाँ पे ऑटम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है और पत्ते काफी गिरे हुए थे। तो मैं घर में बैठी थी, मेरा दिल उदास हो रहा था, बोर हो रही थी। मैंने कहा चलो जी चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करके आते हैं, देखते हैं आज क्या आया हुआ है। और कुछ मुझे चीज़ें भी लेनी थी, घर में ख़त्म थी, तो इस तरह से मैं जाती हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो किसी को अच्छी लगे या चाहे वो किसी को ना अच्छी लगे, लेकिन जाहिर है आप अच्छा फील कर रहे हैं ना, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, बजाय इसके कि नेगेटिव बैठ के सोचते रहें इस तरह से, तो बेहतर है कि वो काम जरूर करें जो आपको अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा था मुझे एक दो पेन लेने थे, मैं लास्ट टाइम ले गई थी लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए हैं तो अब ख़त्म हो गए हैं, बस यही रखे हुए हैं थोड़े से और ये वाला। तो मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ, आगे ज़रूरत आएंगी, सोच रही हूँ कि ले ही लूँ। चलें ये एक ले लेती हूँ, ये मेरे पास एक है, नया लिया था मैंने लिडल से, जैसे लिया था ख़राब हो गया था, इसलिए इस पर भी मेरा 50-50 दिल है कि लूँ कि ना लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें, बहुत जल्दी ख़राब हो गया था जो मैंने लिडल से लिया था, दिल ही मेरा ख़राब हो गया। तो ये भी मैं आई हुई हूँ अल्डी पे और इसकी प्राइस भी अच्छी है, लेकिन बस देखें यही बचे हुए हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं। ये मैं ले लेती हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। दुनिया तो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से लेकर चलते हैं। एट द एंड वही बात है कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर जाना है। दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, इसकी आपको जो है ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और अपने लिए आप क्या करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ पसंद है ज़रूर करें, अच्छा टाइम गुजारें, अपने साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली के साथ गुजारें, और कोशिश करें अच्छा सोचें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। होप सो कि आज की मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं कम टाइम में आपके साथ ज्यादा चीजें शेयर करूं जिससे आपका भी फायदा हो सके। सम टाइम हमें हर चीज पता होती है, हर चीज हमारी नॉलेज में भी होती है, लेकिन थोड़ी सी एक मोटिवेशन चाहिए होती है, बूस्ट चाहिए होता है कुछ अच्छा करने के लिए या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। खैर अभी मैं योगर्ट लेकर आई थी और ये मैं अभी बना के खा रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक चम्मच चिया सीड लेके इसमें मैं दही डाल देती हूँ। फ्लेवर्ड योगर्ट आज मैं लाई थी तो ये अभी मैं शाम के स्नैक में इंजॉय करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश करें, कोशिश आप नहीं करनी है, कोई और आके नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।